महाराष्ट्र की जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लड़कियां हैं या जो बालिकाएं हैं, उनको राज्य में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जो उनकी हायर एजुकेशन होगी वो फ्री होगी। ये आपने खबर सुन ली, इसके बारे में चीजें आपने पढ़ ली, लेकिन क्या आपको पता है कि इस योजना की बड़ी बातें क्या हैं और साथ ही कौन कौन से कोर्सेज में इन बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलने वाली है? अगर आपको नहीं पता तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझा देंगे, बता देंगे कि आखिर इस योजना की बड़ी बातें क्या हैं, और ये भी बता देंगे कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये फ्री एजुकेशन वाला सिस्टम लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड के इस खास वीडियो में, जहां हम आपको महाराष्ट्र की फ्री शिक्षा वाली योजना के बारे में बताएंगे, उसकी बड़ी बातें बताएंगे और जो कोर्सेज हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है, जो स्टेट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाएं हैं या फिर जो ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनको स्टेट के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यानी कि जो उनकी हायर एजुकेशन होगी वो फ्री होगी। ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब इस योजना के अनुसार ये समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके लिए ये शिक्षा मुफ्त है, यानी कि स्कूल और कॉलेज कहाँ आप फ्री में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो योजना है वो ये कहता है कि सरकारी, गैर सरकारी और इसके अलावा जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं, यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं या फिर जो सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो राज्य के अलग अलग कॉलेजेस हैं वहां जाकर वो फ्री में हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो सुविधा है ना, वो कुछ लिमिटेड कोर्सेज के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, इसमें मेडिसिन शामिल है, इसमें फार्मेसी जो है वो शामिल है, इसमें एग्रीकल्चर शामिल है, पशुपालन इसमें शामिल है, मछली पालन इसमें शामिल है, डेयरी विकास विभाग से संचालित जो सिलेबस है या फिर जो कोर्सेज हैं वो सब इसमें शामिल है। यानी कि ये जो कोर्सेज है ना, सिर्फ इन्हीं में आप फ्री में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कोर्सेज हैं उनमें इस तरह की सुविधा नहीं दी गई है। इस बात को आपको मेंशन करके रख लेना है, इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। अब चलिए आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन सी लड़कियां इस योजना के तहत एलिजिबल हैं, यानी कि कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी और ओबीसी कैटेगरी के वो लड़कियां जिनके परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, वो सभी इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, अगर वो इन कोर्सेज को करना चाहती है जो मैंने आपको मेंशन किया। इसके अलावा जो लड़कियां अभी पढ़ रही हैं, यानी कि मान लीजिए कोई लड़की फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब आपको इस योजना से रिलेटेड एक और बड़ी बात बता देते हैं। जो अनाथ छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई के लिए ट्यूशन और जो एग्जाम फीस है वो नहीं देना होगा। ये जो अभी फ्री एजुकेशन वाली योजना आई है ना, इसके साथ ही ये दूसरी वाली योजना भी लाई गई है, जिसमें अनाथ लड़के और लड़कियों को ट्यूशन फीस और जो एग्जामिनेशन फीस है उसे मुक्त कर दिया गया है, यानी कि उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। इस बात को आपको मेंशन कर लेना, और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो एकेडमिक ईयर 2024 और 25 आने वाला है, जो चल रहा है, उसमें ही ये सारे चेंजेस लागू होंगे। इससे पहले वाले बच्चों में ये चेंजेस नहीं लागू होंगे, इसी साल ये इफेक्ट में आ जाएगी योजना। मुझे लगता है कि अब आपको इस योजना से रिलेटेड बड़ी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर जैसे जो कोर्सेज हैं, उस कोर्स में ही आप फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फैमिली की इनकम, सालाना इनकम 8 लाख से कम है, तभी आप इस योजना के एलिजिबल हैं। इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री एजुकेशन इन महाराष्ट्र। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ भी आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।